हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है, और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो आसानी से आपके घर में मौजूद होंगी। तो आपको इस वजह से भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि ये चीज़ें तो है नहीं तो कैसे रेमेडी बनाएं। अगर आपकी शादी नहीं भी है तब भी आप अपनी स्किन को फेयर कर सकती हैं। इस रेमेडी के दो स्टेप्स हैं। नंबर वन, आपने अपनी स्किन को क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग करने से आपके चेहरे पर जो धूल मिट्टी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। वीडियो को स्किप मत किया करें और एंड तक देखा करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेमेडी को आप एक हफ्ते में दो बार भी कर सकते हैं। नंबर दो, आपने लेना है चावल का आटा। एक चम्मच चावल का आटा लें, फिर इसमें एक चम्मच उपटन डाल दें। आप बाज़ार का बना हुआ उपटन भी ले सकती हैं, अगर उपटन नहीं तो आप घर में भी उपटन बना सकती हैं। एक चम्मच बेसन और एक चौथाई हल्दी डाल दें। मैं घर में बना हुआ उपटन इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने इसमें ऐड करना है एक चम्मच शहद। शहद जो है इससे आपकी स्किन शाइन करेगी। लास्ट में आपने इसमें एक चम्मच दही डालना है। दही की जगह आप दूध या अरके गुलाब भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको इसे अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। फेस पे अप्लाई करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक लगा रहने दें, जब तक ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फेस को वॉश कर लें, आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह निगेबान।